वहीं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है जिसमें सवार होने से हर कोई डर रहा है। उन्होंने कहा कि अपने चुनाव घोषणा पत्र जिसे कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया है, वो जनता को बताए कि क्या वो मात्र कांग्रेस का मैनिफेस्टो है या तमाम इंडी गठबंधन का, जिसे सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी द्वारा रिलीज किया गया है। ऐसे में उस मैनिफेस्टो की प्रासंगिकता कितनी रह जाती है, यह जनता के लिए सोचने का विषय है। कांग्रेस आज एक डूबता हुआ जहाज सभी लोगों को दिख रहा है और कांग्रेस के नेता भी आज इस जहाज से उतर रहे हैं। एक एक कांग्रेस का नेता कांग्रेस को धीरे धीरे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा झूठे वायदे करके झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आती है और सत्ता में आने के पश्चात जो है उसके बाद उन वायदों को भूल जाती है। हिमाचल प्रदेश में झूठी वायदे झूठी गारंटियां देकर कांग्रेस सत्ता में तो आ गई, लेकिन इन 15 महीनों में एक भी वायदा पूरा नहीं किया। वहीं आज हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर आज कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम देश की जनता को 25 गारंटियां दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे झूठे वायदे झूठी गारंटियां देकर कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, देश की जनता ने उस काम को देखा है। आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रहा है और पूरे देश में मोदी लहर आज नज़र आ रही है। वहीं कांग्रेस की स्थिति हम जो देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में आपस में कहीं पर हिमाचल में भी कोई तालमेल नज़र नहीं आ रहा है, और आज कभी नेता की ज्वाइनिंग कांग्रेस की अध्यक्षता करवाते हैं, दूसरे दिन उसके लिए चिट्ठी निकल जाती है कि अभी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। यही कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री गंगूराम मुसाफिर जी के साथ हुआ। ऐसे अनेकों नेता आज परेशान हैं। जहां 6 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा में आ गए थे, उसी प्रकार आने वाले समय में और भी ऐसे बहुत से कांग्रेस के नेता बहुत से विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा इतना मानना है कि आज मुख्यमंत्री जी के भी दौरे हो रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी का भी दौरा हो रहा है। जब भी मंडी जिला में सुंदरनगर में कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री जी उनके मंत्री प्रत्याशी आएंगे तो हम उनसे जरूर उनका स्वागत करना चाहेंगे, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, कि उनसे साथ में ये भी पूछना चाहेंगे कि आपने हमारे मंडी जिला के हमारे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के जो संस्थान जो कार्यालय पूर्व की जयराम जी की सरकार ने जो खोले थे, उन सारे संस्थानों को कार्यालयों को आपने बंद कर दिया, डी नोटिफाई कर दिया है। हम उसका हिसाब किताब भी उनसे पूछना चाहते हैं।